वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएसई साइंस क्लासेस आज पढ़ा गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल ओके तो सेटा तुम आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट ही अच्छी तो सेकंड पार्ट एटा फर्स्ट पार्ट टा सरीगला सेकंड पार्ट एटा ओके तो माई एसक्यूएल इंट्रोडक्शन केमती आगुरी तो कर सारे माई एसक्यूएल स्मॉल स्मॉल कोडिंग लिखी सारे जमीक सिलेक्ट स्टेटमेंट इनसर्ट अपडेट डिलीट ओके तो सेमती इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल एवं कमी कौन करवा नल वैल्यू उपरे किसी गोटे लिखा ओके तो प्रीवियस वीडियो रे कौन कही नल वैल्यू रो टू टाइप्स अच्छी गोटे हूँ कौन इज नल गोटे हूँ इज नॉट नल से विषय डेप्थ कहबी ओके देख वर्किंग विथ नल वैल्यू इट कैन नॉट मीन नल वैल्यू हम कौन बुझुचे नल वैल्यू मैंने कौन बुझे ना तुम इट इज ए मिसिंग इट इज ए मिसिंग वैल्यू बुझा पड़ा नल वैल्यूटा को आम कौन कहे गोटे मिसिंग आम जाणी मैंने जाणी हूँ न जाणी हूँ गोटे वैल्यूटा को मिस करदे ओके इट इज ए मिसिंग वैल्यू बुझा पड़े तो ताको आम कौन कौ हिसाब से प्रोग्रामिंग कौ हिसाब से नौ नल नल हिसाब से नौ ओके तो आम प्रिवियस वीडियो आम कौन पढ़ी ना इज नल आउ इज नट नल इज नल मानने कौन कौ वैल्यूटा आम मिसिंग अच्छी ओके से डाटाटा आमको देखा ओके सेमती इज नॉट नल कहले कौन को वैल्यू आम मिसिंग है कि ना जो वैल्यू मिसिंग अच्छे छाड़ दे कि बाकी वैल्यू को आमको डिस्प्ले करथुला ओके तो देख ये वर्किंग विथ नल वैल्यू रे डिटेल्स जीवी इट कैन नॉट यूज एरिथमेटिक ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर को नल वैल्यूटा यूज करिवो नाही ओके एरिथमेटिक ऑपरेटर माने कौन स्मॉलर देन ग्रेटर देन तुम कौन इक्वल टू एमती सब किसी ऑपरेटर अच्छे जोड़ा को नल वैल्यू आम यूज करू ना ओके तो रिजल्ट ऑफ एनी एरिथमेटिक कहीं यूज करूनी ना रिजल्ट ऑफ एनी एरिथमेटिक कंपेरिजन विथ नल ओके नल वैल्यू सहित जदि किसी आम एरिथमेटिक कंपेरिजन करा जाए तार रिजल्ट कौन आसो नल बुझा पड़ा देख नल वैल्यू सहित जदि किसी प्लस माइनस तुम इक्वल टू स्मॉलर देन ग्रेटर देन एमती किसी वैल्यू को कंपेयर करा जाए तार वैल्यू आम के आसो नल ही आस से आम कौन करूचे कंपेरिजन करू ना ओके जीरो आउ नल वैल्यू आमको रिजल्ट कौन दब फॉल्स बुझा पड़ा जीरो हो ना नल वैल्यू हो आमको रिजल्ट कौन दब फॉल्स फॉल्स ही आमको दब कौटा आम ट्रू दब ट्रू रिजल्ट कौटा दब ना जीरो आउ तुम नल वैल्यू को छाड़ दे कि एनिथिंग एल्स आउ जहाँ तुम नब से कि रिजल्ट दब ट्रू रिजल्ट दब तुम जानी तुम बुलियन वैल्यू गोटे जानी बुलियन वैल्यू कहले कौन ना तुम ट्रू और फॉल्स ए टाइप रो सी नब बुलियन वैल्यू ओनली रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स बुझा पड़ा तो ये आम कौन कहले जीरो आउ नल वैल्यू आमको कौन रिजल्ट दौर ना फॉल्स रिजल्ट दौर एनिथिंग एल्स मैंने कौन जीरो को तो आम फॉल्स रे नहीं गले आउ तापर कौन रहा वन वन हो सब कौन रिजल्ट दब ट्रू बुझा पड़ा वन होमर कि रिजल्ट दौर ट्रू रिजल्ट दौर है आउ तुम जीरो आउ नल वैल्यूटा कौन रिजल्ट कौन रिजल्ट दौर फॉल्स क्लियर ओके तो देख ये ऑर्डर आम केमी तुम देख ए कौन कह ना सॉर्टिंग केमती करवा क्लियर सॉर्टिंग आमर सॉर्ट केते प्रकार आम कर बुझा पड़े सॉर्टिंग आम केमती करवा फर्स्ट वन हूँ कौन ऑर्डर बाय क्लॉज क्लियर ओके तो ऑर्डर बाय क्लॉज माने गोटे देख मु गोटे टेबुलटे क्रिएट कली ओके तो गोटे टेबुल मु क्रिएट करी से टेबुल रु मते सब डाटा दरकार बुझा पड़ा माई एसक्यूएल मु कौन कली ना गोटे टेबुल क्रिएट करी मु कौन कली से टेबुल रो सब डाटा को रिट्रीव करने चाहे क्लियर तो सेत कौन आसो आम कौन कोडिंग लिखा क्योरी कौन लिखा आमर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सपोज टेबुल ना हो कौन एम्प्लॉय ओके तो कौन लिखा से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्लियर तो कौन आसो ना सब डाटाटा आम एम्प्लॉय टेबुल जहाँ डाटा अच्छे से डाटाटा आम रिट्रीव कले इज नॉट इट ओके तो आमको दरकार से जो डाटा सेट जो रिजल्ट सेट आमको
इन एनी मैनर एदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग एमती किसी सर्टिंग है कि आसुची कि आसुनी तो आम कौन करिया को चाहिबा सेठी ना जेते बड़े डाटा सेट टा हम रिट्रीव है कि आसुची नॉट इन एनी मैनर को मैनर रे भी हमर कौन होची सर्टिंग है कि सेटा आसुनी बुझा पड़ला तो टू स्टोर द डाटा सेट इन एनी ऑर्डर दैट इज इन एदर एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बुझा पड़ला डाटा जो हमरा आसीबो गोटे सर्टिंग है कि आसु किसी गोटे ऑर्डर रे आसु डिसेंडिंग हो ना एसेंडिंग हो किसी गोटे ऑर्डर रे आसिया पे हमें कौन यूज करूचे ऑर्डर बाय क्लॉज बुझा पड़ला ऑर्डर बाय क्लॉज हमें काई भी यूज करूचे टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट को सॉर्ट करिया पे हमें कौन यूज करूचे ऑर्डर बाय क्लॉज बुझा पड़ुचे इट अलाउज से कौन कौन अलाउज करे हमको ना इट अलाउज सॉर्ट बाय सिंगल कॉलम क्लियर और मल्टीपल कॉलम भलरे बुझो एटा ओके तमरो क्वेश्चन आसे जे तमे एगो टेबल देथिबो क्लियर वो टेबल देथिबो ताको कोन कहबो ना ए टेबल रो बाय नेम एसेंडिंग ऑर्डर नहले डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजाओ गोटे कॉलम अनुसार तमे ताको एसेंडिंग रे नहले डिसेंडिंग रे सजे ओके तो सेमती भी क्वेश्चन आसे तो तुम ताको कोन लिखियो ओनली वन लाइन ओनली वन क्वेरी इज सफिशिएंट टू सॉर्टिंग द टेबल एदर इन एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बुझा पड़ल ओके तो देखो फर्स्ट आसीला ऑर्डर बाय क्लॉज ते हम कोन अलाउज करच ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउज सॉर्ट बाय सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम बुझा पड़ल माने गोटे कॉलम अनुसार हमें सॉर्ट करि परिबा और मोर देन वन कॉलम अनुसार हमें कोन करि परिबा सॉर्ट करि परिबा क्लियर बुझा पड़ला ओके तो देखो फर्स्ट वन रे हमर कोन देला ना कॉलम कॉलम सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम क्लियर ओके तो सेकंड वन रे कोन देला सॉर्ट बाय डिफरेंट कॉलम इन एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर माने कोन होजो फर्स्ट वन रो हमको ऑप्शन देला जे हमें सिंगल कॉलम रे करि परिबा सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम रे सॉर्टिंग करि परिबा क्लियर ओके सेमती सॉर्ट बाय डिफरेंट हमर सेकंड वे रे हम कोन ऑप्शन दीजी सॉर्ट बाय डिफरेंट कॉलम इन एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बुझा पड़ला माने कोन ना एसेंडिंग स्मॉल रु लार्ज और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बुझा पड़ुछ ए दीटा हमर वे रे हमें कौन करि परबा एदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रे हमें कौन करि परबा ना सॉर्टिंग करि परबा क्लियर ओके तो हमको दीटा ऑप्शन दउची कौन हला ना गोटे कॉलम को देख तुम करि परबो और मल्टीपल कॉलम को नहीं तुम करि परबो वन ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कौन डिफरेंट कॉलम रे हमें कौन करि परबा एदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके दूसरा ऑप्शन ओके तो दीटा ऑप्शन को लेके हम यूज करिया कोन ऑर्डर बाय क्लॉज क्लियर अच्छा देखो तो हमें यदि गोटे जिंस ने माने करू जे तार सिंटैक्स दरकार ओके तो सिंटैक्स कोन सिलेक्ट फर्स्ट टाइम रे कोन दरकार ना सिलेक्ट कॉलम नेम ओके सिलेक्ट कॉलम नेम यदि आउ किछि कॉलम दरकार एनदर कॉलम नेम ओके फ्रॉम को टेबल रो हम करू जे फ्रॉम टेबल नेम ओके ऑर्डर बाय क्लियर ऑर्डर बाय कॉलम नेम एसेंडिंग और डिसेंडिंग एनदर कॉलम नेम एसेंडिंग और डिसेंडिंग बुझा पड़ला क्लियर ओके तो देखो सिलेक्ट फर्स्ट में हमें कॉलम नेम को सिलेक्ट करले देन एनदर कॉलम नेम यदि हम मोर देन वन कॉलम नेम का हम करू जे मल्टीपल कॉलम रे हम करू जे तो कॉलम नेम एनदर कॉलम नेम भी पुट करले देन असला कोन को टेबल रु सेटा हमरो हमें रिट्रीव करे पे चाहु जे को टेबल रु द फ्रॉम टेबल नेम ओके देन कंडीशन हम कोन यूज करू जे ऑर्डर बाय को कॉलम को केमिति पोजीशन रे रखिबा देखो ए कॉलम का हम की पोजीशन रे रखले एदर एसेंडिंग रे पर ना हम डिसेंडिंग रे पर हम को रिक्वायरमेंट अनुसार ओके सेमती एनदर कॉलम का हम को पोजीशन रे रखले एदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग
बुझा पड़ा तो एडा हूँ चाहे हमारा कौन ना कॉलम कॉलम को मोर देन वन कॉलम को हमारा इधर एसेंडिंग और डिसेंडिंग ले हमें पुट करी पाएगा क्लियर ओके देखो गुड एग्जांपल दली सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर कस्टमर माने के कस्टमर हो जाए टेबल ने ऑर्डर बाय सिटी सिटी अनुसार सॉर्टिंग करके हमें कौन करीबा कस्टमर टेबल रो सब डाटा को शो करीबा बुझा पड़ा ओके अच्छा एबे देखो सॉर्टिंग यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज रे हमें एटा नॉर्मल करले हमर एटा कोन ए सिंटैक्स टा हमर कोन ना ए सिंटैक्स टा तमरो ए दीटा पर्पस पे यूज होची एसेंडिंग डिसेंडिंग भी रहिला मल्टीपल कॉलम भी रहिला सिंगल कॉलम भी हम रख पाइबा ओके ए दीटा पाई ए सिंटैक्स पूरा किंतु ए एग्जांपल टा कोन आसला ए एग्जांपल टा जस्ट गुटे कॉलम को बेस करी हमें कोन कले ऑर्डर बाय यूज करी गुटे कॉलम को बेस करके हमें कले क्लियर ओके देखो बे एसेंडिंग ऑर्डर रे हमें किन करबा आउ डिसेंडिंग ऑर्डर रे केनति करबा क्लियर तो सॉर्टिंग यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज ओके फर्स्ट में तुम कहि दउ छी ना जेते बेला बे सॉर्टिंग करू छे जेते बेला हम सॉर्टिंग करू छे किछ लेखु ने एसेंडिंग की डिसेंडिंग किछ लेखु ने तो बाय डिफॉल्ट हमरो सिस्टम कोन हमरो निए ना एसेंडिंग ऑर्डर ही नहीं ओके तो जेते बेले हम किछ लेखु ने सेटा हमरो को हिसाब रे जाय एसेंडिंग ऑर्डर रे से डाटा टा को हम रिप्रेजेंट करे ओके जेते बेले हम लेखिबा जे डीईएससी मींस व्हाट डिसेंडिंग रो शॉर्ट फॉर्म डीईएससी जदी लेखिबा तो कोन हो सेटा डाटा टा को रिवर्स ऑर्डर रे डिस्प्ले करे बुझा पड़ला तो क्वेश्चन आसीबो कोन ना बाय डिफॉल्ट द डाटा इज डाटा सॉर्टेड इन व्हिच ऑर्डर ब्रैकेट रे ऑप्शन देथियो मन करो एसेंडिंग और डिसेंडिंग तो कौन लिखिबा आंसर एसेंडिंग ओके जदी हमें डिसेंडिंग कीवर्ड नो यूज करे जे से जाय हमर डाटा टा कौन हे चलथिबो ना एसेंडिंग रे हमहु देखियो थबो से बुझा पड़ला जदी हमें ऑर्डर बाय करके हम जदी किछ लेखु ने ओके तो सेटा को माने को सिस्टम रे हमहु रिप्रेजेंट हबो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ओके देखो सॉर्टिंग इन एसेंडिंग ऑर्डर ओके नेक्स्ट आसला कोन सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर देयर आर टू वेज टू सॉर्ट गोटे होची स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट गोटे होची लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लियर तो सॉर्टिंग इन एसेंडिंग ऑर्डर का बाय डिफॉल्ट मींस व्हाट हमको सेटा ही हमको रिप्रेजेंट करबो जो जाय हमें डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करिने हमरा रिप्रेजेंट केनती हमर डाटा रा डिस्प्ले केनती करथबो इन एसेंडिंग ऑर्डर क्लियर ओके तो आसे नेक्स्ट होनो सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ओके तो डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमें डाटा टा को रिप्रेजेंट करिवा पाए हम कोन करिया को पड़े क्लियर देखो सिलेक्ट नेम सपोज गुडे एग्जांपल लेली सिलेक्ट नेम बर्थ फ्रॉम वर्कर ओके तो एटा होच हमरो कोन कॉलम 1 एटा होची कोन कॉलम 2 ओके वर्कर ता होच हमरो कोन टेबल नेम वर्कर कोन टेबल नेम ओके ऑर्डर बाय हमरो कोन क्लॉज टा ऑर्डर बाय टा हमरो कोन क्लॉज बर्थ होची कोन कॉलम 2 ओके डिसेंडिंग होची हमरो कोन कीवर्ड क्लियर डिसेंडिंग टा हमरो कोन कीवर्ड देखो सिलेक्ट नेम बर्थ फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय बर्थ डिसेंडिंग डीईएससी मींस व्हाट डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमको कोन करा जाय ना बर्थ और नेम को हमें हमरो बर्थ में नेम और बर्थ सिलेक्शन करले किंतु डिसेंडिंग ऑर्डर रे कोन टा करबा बर्थ डेट टा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर रे करबा ओके क्लियर बुझा पड़ला ओके देखो और सती तुम एसेंडिंग ऑर्डर बुझी पालो डिसेंडिंग ऑर्डर भी बुझी पालो हां ओके तो एसेंडिंग ऑर्डर जो थांता एठे हमें कोन को थांदे एठे हमें डिसेंडिंग कीवर्ड ता देखिनो थांदे बुझा पड़छि यदि हमें डिसेंडिंग कीवर्ड लेखिबानी खाली बात पर्यंत लेखिबा तो ए आरो रिजल्ट टाइप रो डिस्प्ले केनती होबो ना एसेंडिंग ऑर्डर रे होबो ओके
जदि आम डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करूचे तो कौन कौन आम डिस्प्ले हूँ रिजल्टा डिसेंडिंग डिस्प्ले हम ओके देखो एबे पढ़ा कौन ना सॉर्टिंग बाय यूजिंग कॉलम अलियास नेम ओके तो अलियास कहले कौन अलियास माने आमर गोटे गोटे ना को आम कि रिनेम करने चाहे क्लियर गोटे नेम को आम कि रिनेम करने चाहे तो रिनेम केमती करवा बाय यूजिंग अलियास नेम ओके तो सॉर्टिंग सॉर्टिंग बाय कॉलम अलियास नेम मुझे पड़ा माने कौन सॉर्टिंग बाय कॉलम अलियास नेम माने कौन इट इज अलियास अलियास मीन्स व्हाट ना इट इज यूज टू रीनेम द कॉलम किसी गोटे टेबुल किसी कॉलम लिखी देचे ताको हमें कौन करिया चाहूचे रीनेम करिया चाहूचे तो से टाइम रे हमें कौन यूज करिबा ना अलियास ओके तो अलियास नेम हमर रीनेम को पर्पजफुली हमें कौन पाई यूज करूचे अलियास नेम ना रीनेम द कॉलम नेम क्लियर ओके देखो आ कि मन कर मोर टेबुल गोटे अच्छे आईडी क्लियर आ गए कौन अच्छी नेम बुझिपारल कौन अच्छे आमर आईडी आ गए कौन अच्छे नेम अच्छे क्लियर ए आईडी को कौन करने चाहूँगी आईडी न लिखुनु कौन लिखा चाहूँगी रिनेम मु कौन करी ना कस्टमर आईडी क्लियर सेमती नेम टाइम मु कौन लिखी कस्टमर नेम माने मु कौन कली रिनेम कली क्लियर तो कस्टमर आईडी लिखिली और कस्टमर नेम लिखिली तो मु कौन चाहिली जे आकु रिनेम केमती करा जा ओके तो रिनेम करिया पे हमर कौन यूज हुए कॉलम अलियास क्लियर तो सिंटैक्स ता देखो सिंटैक्स सिलेक्ट कॉलम नेम ओके बुझा पड़ी आम क्या रिनेम करने चेस्ट करूचे ना कॉलम नेम बुझा पड़ा ओके तो देखो सिलेक्ट कॉलम नेम एज एज कौन अलियास नेम बुझ पार सिलेक्ट कॉलम नेम एज अलियास नेम कौन करने चाहूचे मन कर आर टेबुल ना है कौन कस्टमर टेबुल टेबुल ना कौन कस्टमर तो लिखी कौन फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर क्लियर फ्रॉम कस्टमर कौन बाय केते बल दबा गुटे कंडीशन दबा ओके वेयर वेयर कंडीशन क्लियर बुझा पड़ला तुम कह चाहू ना सिलेक्ट कॉलम नेम को हमें सिलेक्ट करले कॉलम नेम को कोथरे रिप्लेस करिबा अलियास नेम रिप्लेस करिबा क्लियर को टेबल टू से हमें रिट्रीव करिबे चाहू छी फ्रॉम टेबल नेम मींस कोन कस्टमर ओके ए कोन लिखिबा ना टेबल नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर वेयर कोन ना कंडीशन किछ कंडीशन हमें पुट करना ओके देखो एडी मु एग्जांपल लेली सिलेक्ट सिलेक्ट कॉलम नेम कौन आईडी हमर प्रीवियस कॉलम टा कौन आईडी ओके सिलेक्ट आईडी एज हमें कौन अलियास नेम हमें कौन लबा कस्टमर आईडी ओके तो कस्टमर आईडी क्लियर सेमती आउटे हमें कॉलम नेम कौन नेम हमर प्रीवियस कॉलम नेम कौन हमर नेम देन लिखिया कौन नेम क्लियर नेम को कौन अलियास नेम ना रे हमें कन्वर्ट करचे कस्टमर नेम ओके नेम एज कस्टमर नेम क्लियर ओके तापर हम टेबल रो नाम हमर कोन फ्रॉम टेबल नेम होची कोन कस्टमर ओके तापर हम कंडीशन कोन दबा
सपोज मोर कंडीशन होची वेयर आउटे मोर सैलरी बोली थिबो सपोज हला आउटे कॉलम हमर कोन अछि सैलरी उचा पड़ला ए देखो 1 2 3 4 कस्टमर नेम होची कोन ए बी सी डी सैलरी होची केते 50,000 एठी हमर किछि वैल्यू दिया हेनी होची कोन नल वैल्यू एठी होची 40,000 एठी होची हमर 30,000 ओके तो कोन ला फेल सैलरी इज नॉट नल क्लियर फेल सैलरी इज नॉट नल माने कोन हमर सिलेक्ट कोन करले आमे आईडी एज कस्टमर आईडी आईडी टाइप हमर कोन हला ना कस्टमर आईडी रे आमे रिप्लेस करले क्लियर सिलेक्ट आईडी एज कस्टमर आईडी ओके नेम एज कस्टमर नेम क्लियर आमे आकु एथरे रिप्लेस करले आकु एथरे रिप्लेस करले बुझा पड़ल फ्रॉम कोन फ्रॉम कस्टमर टेबल को थ्रू कस्टमर टेबल रो ओके फेयर हमर कंडीशन देले सैलरी इज नॉट नल तो तुम जहां भी कंडीशन दे पारिबो ओके हेले कोन एटा डिस्प्ले करिवो जो सैलरी कॉलम रे नॉट नल अछि 50,000 40,000 30,000 डिस्प्ले करछ ओके बुझ पड़ला ए 1 3 एंड 4 क्लियर तो एटा हमर डिस्प्ले करिवो आउ तुम्हारे कौन हम ना कस्टमर आईडी जो लिखा है ना कस्टमर आईडी रिप्लेस हम नेम जो लिखा है ना कस्टमर नेम रिप्लेस हम दैट इज द यूज ऑफ अलियास ओके कॉलम अलियास ओके तो एबे कौन पढ़िबा सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स माने कौन बुझु जामे द स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल डाटास फ्रॉम द टेबल द स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल डाटा फ्रॉम द टेबल माने डाटा टा को हम सब डाटा को हम सिलेक्ट करिबा किंतु सॉर्टिंग को हिसाब रे हबो मल्टीपल कॉलम अनुसार हम सॉर्टिंग हबो क्लियर बुझा पड़ला मल्टीपल कॉलम अनुसार हम सॉर्टिंग हम नॉट सिंगल कॉलम तो कौन हमें लिखे पड़े ओके तो देखो सपोज ये मन कर कौन कली सिलेक्ट स्टार ओके स्टार मीन्स व्हाट सब जाको ओके तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ओके मु कस्टमर टेबल रो सब जाको सिलेक्ट करे मैं चाहूं छी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर देन आसिले कोन ऑर्डर बाय ओके तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय माने कोन ना ऑर्डर बाय हमें ऑर्डर माने का का अनुसार हमें सिलेक्ट करे हमें चाहू छी ना ऑर्डर बाय क्लॉज हमें यूज करबा ओके तो ऑर्डर बाय का अनुसार करिया चाहू जे सपोज मु सिटी अनुसार करिया पे चाहू जी नहले डेट ऑफ बर्थ अनुसार करिया पे चाहू जी नहले कस्टमर नेम अनुसार करिया पे चाहू जी क्लियर देखो मैं लिखी भी ऑर्डर बाय सिटी कस्टमर नेम ओके तापर हम कोन लिखिबा ना किछि लिखिने जदि सटा को ऑर्डर रे प्लेस हला एसेंडिंग ऑर्डर क्लियर बुझा पड़ी तो सिटी आ तुमर कौन कस्टमर नेम रे मान सॉर्टिंग करिया पे चाहू क्लियर अच्छा देखो एति के मु लिख ले बुझा पड़ी क्लियर माने कौन आमे कस्टमर टेबल रो सब डाटा को रिट्रीव करिया पे चाहू जे को ऑर्डर रे सेटा डिस्प्ले हबो ना सिटी कॉलम नेम का को बेस करके ऑर्डरिंग करा हबो ना सिटी आ कस्टमर नेम क्लियर बुझे पड़ला मु तुम कहि थी कोनो ना जदी किछि हमें दउ ने सेठी लेखु ने कीवर्ड बाय डिफॉल्ट सेटा कोन हबो एसेंडिंग हबो देखो एडा हम किछि लेखि ने एडा को कोन डिस्पोज रे केमति डिस्प्ले हबो एसेंडिंग ऑर्डर बुझे पड़ला
एसेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले हो एटा मते मु चेंज कर दो छी देखो एटा गुटे एटा मु चेंज कर दो छी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ओके ऑर्डर बाय सिटी कस्टमर नेम ओके तो कस्टमर नेम और सिटी कला परे मु गोटे कीवर्ड एड लिखबी देखो सिटी जगह रे मु कोन कली एएससी क्लियर सेमती कस्टमर नेम जगह रे मु कोन कली नेम जगह रे DES ओके तो एठी कोन हमर डिस्प्ले हबो समस्त गेस कर दबोनी कोन डिस्प्ले हबो ना कस्टमर टेबल रु हमको सब डाटा दरकार क्लियर कस्टमर टेबल रु हमको सब डाटा दरकार सेटा केते मिदी सेटिंग होवा दरकार ना सिटी ए जो सिटी कॉलम टा असेंडिंग ऑर्डर रहि थिबो ओके सेमती कस्टमर नेम कॉलम टा हमर कोन हि थिबो डिसेंडिंग ऑर्डर रहि बुझा पड़ा ए टाइप रो हमको डाटा दरकार ओके जदी तुम्हें ये लिखुन ना डिसेंडिंग लिखुन से को हिसाब से नबो एसेंडिंग रे नबो ओके जदी तुम्हें एठी भी किसी लिखिनो ताको से को हिसाब से नबो एसेंडिंग रे नबो क्लियर बुझा पड़ा तो हमर रेफरेंस पई हमें कोन लिखले एठी एएससी हमर रेफरेंस पई एठी न लिखिबा कोन नबो से एसेंडिंग ऑर्डर रे जबो त हमें एठी डिसेंडिंग ऑर्डर जेहेतु चाहौ जे हमें कोन लिखले डीईएस क्लियर तो कौन ना माई एसक्यूएल सम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पार्ट ओके तो फास्ट आम कौन आसा वर्किंग विथ नल वैल्यू नल वैल्यू रे कौन कले ना नल वैल्यू रे कंपैरिजन ऑपरेटर नेले नहीं ओके कहीं ना कंपैरिजन विथ नल रिजल्ट्स नल बुझा पड़ा ओके देन आसा कौन ना जीरो आउ नल वैल्यू रो आमर कौन वैल्यूटा ट्रू आमर एनीथिंग एल्स रेदर देन जीरो और नल वैल्यू आमर कौन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट जीरो आउ नल वैल्यू आमर कौन फॉल्स सॉरी माने कौन एनीथिंग जीरो आउ नल वैल्यू को लेकिन आम रिजल्ट कौन आसा फॉल्स अदर देन दैट आमर कौन ट्रू वैल्यू आसे बुझा पड़ा तो वन टाइमर कौन हुए ट्रू अच्छा तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमें यूज करी केमिति सॉर्टिंग करूचे ऑर्डर बाय क्लॉज हमर टू टाइप्स रो रहूची गोटे होची सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम को बेस करके रहूची आ गोटे होची कौन ना एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बेस करके रहूची बुझा पड़ा तो मल्टीपल कॉलम और सिंगल कॉलम को बेस करके जो हमें करूचे से जस्ट लिखीदे कौन जो ए कॉलम को बेस करके हमें ऑर्डर बाय करूचे बुझा पड़ा तो डायरेक्टली से कौन सॉर्टिंग हो जाए जदि एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इंडिविजुअली चेक करवा तो एसेंडिंग ऑर्डर रे हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर पारछे डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमें कौन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो पारछे बुझा पड़ा ओके नेक्स्ट हमें कौन कॉलम अलियास नेम मीन्स व्हाट ना जदि किसी कलम को जदि किसी कलम को आम कौन करे आम मन कर सपोज एम हरी मुमेंट रे कौन लिखी दूचे ना आईडी नेम एमती लिखी लिखी पढ़ाऊे ओके तो सहीटा जी आम रिप्लेस करने चाहूँ मीन रिनेम करने चाहूँचे आम कौन यूज करके रिनेम कर कलम अलियास नेम तो तार सिंटैक्स अलग रही तो कौन सिलेक्ट कलम नेम एज कलम अलियास अलियास नेम एनादर कलम नेम एज अलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम फेयर कंडीशन ओके तो आमर कौन है ए नेम को आम एटा रिप्लेस करने चाहिए से नेम को सेटा रिप्लेस करने चाहिए को टेबल रु फ्रॉम टेबल नेम देले कंडीशन भी आम कि एक्स्ट्रा एड करी करवा दरकार नहीं तो छाड़ी देव ओके देन आमर कौन आसा ये सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम रे जम प्रीवियसली पढ़िले मल्टीपल कॉलम रे केमिति आमर सिंटैक्स दे से मल्टीपल कॉलम रु आमे कौन करिया करि पाछे ना डाटा टाकू रिट्रीव करि पाइबा ओके
मुझे कौन मल्टीपल कलम एथर एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख पार तो किसी न देने कौन डिफल्ट मानते भैल्यूटा आसे एसेंडिंग ओके जदि किसी दबानी कहले कौन भैल्यू आम रिट्रीव करे एसेंडिंग वे हिंसा डाटाटा डिस्प्ले कर जदि डिसेंडिंग की वार्ड यूज करुचे तो डिसेंडिंग वैल्यू रे डिस्प्ले कर ओके तो देख ये मुझे गोटे कलम को एसेंडिंग दे गोटे कलम को कौन दे डिसेंडिंग दे बुझा पड़े क्लियर ओके तो यहाँ हूँ ओवरऑल कौन MySQL रो इंट्रोडक्शन बुझा पड़ी ओके नेक्स्ट तुम्हार नेक्स्ट वीडियो रे हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ा MySQL रो पर जहाँ जहाँ टॉपिक्स अच्छे से सब कवर हे ओके तो सम स्टूडेंट्स आर सेइंग टू गिव PDFs ओके तो PDF रो एठी मु बुझी पारनी PDF रो माने कौन रहिला आउ किछि लेखिबा को तुमको आउ दरकार पड़ुछि मु तो पूरा नोट्स दे दउछि एठी जस्ट मु जहाँ कहुछि तुम कौन कर वीडियो पॉज कर पॉज करके से अनुसार तुम नोट डाउन कर ओके दैट्स मोर देन इनफ फॉर प्लस टू स्टूडेंट्स ओके अच्छा देन आसला कौन तुम सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग इन बाय मेसेजिंग बाय मेसेज कौन कहते हैं ना एटा सेकेंड इयर पाठ कि गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस सिलेबस रिवाइज सिलेबस आम मैंने इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज सेंड कर देचु तो गो थ्रू द सिलेबस वेदर इट इज फॉर प्लस टू फर्स्ट ईयर और प्लस टू सेकेंड ईयर देन आफ्टरवर्ड्स देन यू कैन कमेंट ओके बुझा पड़ा तो कौन तुम्हें देखी सारा सिलेबस एटा को को सब्जेक्ट मैं को ईयर पर पढ़ाऊँ ओके तो देखी सारिक तुम पचार जे एटा सेकेंड ईयर ना फर्स्ट ईयर क्लियर ओके तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू MySQL तो स्टूडेंट्स भल लगे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब भी करिबो ओके आउ तुम्हारो फ्रेंड्स मानक जिते हो पारे तुम फ्रेंड्स मानक कौन कर ना शेयर करो सो दैट दे कैन बेनिफिट ओके आउ तुम फेसबुक रे जो ग्रुप अच्छे सी एच एस साइंस क्लासेस से जॉइन हुओ आम सहित इंटरेक्ट कर आउ तुम जहाँ भी कमेंट अच्छे कि सजेसन अच्छे सजेसन कमेंट बॉक्स रे आमको लिखिपार ओके दिस इज फॉर टुडे थैंक यू।